नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वैभवंत इंडिया किस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे गूगल एड्स में कारपेट बिजनेस के बारे में। अगर आपका कारपेट का बिजनेस है दोस्तों, तो आप कैसे उसका प्रमोशन कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो ईजिली प्रचार कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, और उसका जो प्रमोशन है, प्रमोशन के अलावा आप उसको सेल्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं और बिजनेस को बिल्ड भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों गूगल एड्स ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को, अपने अपने ऑफिस के प्रोडक्ट को, जो भी आपका बिजनेस है, उनके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज कर सकते हैं। और आप एक जगह बैठ के कई सारे सिटी एंड कंट्रीज में ये बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो कस्टमर है दोस्तों, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छी है तो कस्टमर ज़रूर उसको बाय करेंगे, हमें बस उसको प्रेजेंट करने का सही तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे और कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे एडवर्टाइज़ करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग है दोस्तों वो इंक्रीज हो, डे बाई डे इंक्रीज हो, और ह्यूज लेवल पे जो आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। दोस्तों आज की इस वीडियो का मेन मोटिव है कारपेट बिजनेस के बारे में, उसके प्रमोशन के बारे में, हम गूगल एड्स के थ्रू कैसे उसका प्रमोशन कर सकते हैं और उसके क्या क्या क्राइटेरिया दोस्तों, क्या क्या सेटिंग्स हैं, सारी चीज़ें मैं आपको ए टू जेड इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों फिर से आपको कहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो फटाफट इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों कमेंट में अपनी राय दीजिए, अगर कोई आपके पास टॉपिक है दोस्तों उस पर आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर दोस्तों आपका कारपेट का बिजनेस है, तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी ई कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा, जयपुर रफ के नाम से एक कारपेट वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसमें आप इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन होती है कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना वेबसाइट क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे उन्होंने दे रखा कि बेडरूम का क्या है, डाइनिंग रूम का क्या कारपेट है, स्टाइल स्पोर्ट लाइट पर भी इन्होंने आप डाल रखा, आप देख सकते हो, फ्लोर एंड ट्रॉपिकल, मॉडर्न रग एंड ओरिएंटल, ठीक है जी, रक्स इसके अंदर। दोस्तों आप नीचे भी यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर फ़ोटोज़ अपने डाल रखे कि हमारे पास कौन कौन मसक्कली भी, इनके पास वूल एंड बैम्बू सिल्क है, जो इनका कारपेट का जो काम है मेन। दोस्तों कई कैटेगरीज़ में इन्होंने डिवाइड कर रखा, किस तरीके से ये डिज़ाइन करते हैं, क्वालिटी कैसी होती है सर, मटेरियल क्या होते हैं, सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखा। और इनकी जो ब्रांडिंग है बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा। दोस्तों इन्होंने एक काम और किया है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कि इन्होंने गूगल एड्स भी अपना रन किया है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सर्च किया कारपेट बाय ऑनलाइन, तो कारपेट बाय ऑनलाइन मैंने सर्च किया, जैसे यहाँ पर लिखा ना, द बिगेस्ट रग सेल इज लाइव एंड अप टू 60% ऑफ रग्स ऑफ यू लव, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑफ भी कर रखा, यहाँ पे उन्होंने प्रमोट भी कर रखा, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं 10,000 प्लस रेडी टू शिप रक्स फ्री शिपिंग कारपेट का जो बिज़नेस है। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपने कारपेट का जो बिज़नेस का वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमारे वीडियो देख के आपको सीख सकते हैं कि दोस्तों कि हम कारपेट बिजनेस के लिए कैसे ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे अपने ऐड को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन को, ठीक है जी। इस तरीके से आपका भी ऐड डिज़ाइन हम करना इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और बिजनेस है, ओबीटी एक कंपनी है जो भी एक कारपेट का बिजनेस करती है, ये बाय हैंडमेड है, ये भी बाय हैंडमेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको भी कारपेट का बिजनेस जो है आपका भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल एड्स, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है, गूगल पे हम गए, यहाँ पे लिखेंगे गूगल एड्स, ठीक है जी। गूगल एड्स जैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लिंक है ये ओपन करेंगे, एड्स फॉर बिजनेसेस, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे दोस्तों यहाँ पर साइन इन पर ऑप्शन है, यहाँ पर हम करेंगे स्टार्ट। अब स्टार्ट करने में दोस्तों ये हम अकाउंट है ये अपना ओपन करेंगे, ये दूसरा जो अकाउंट है इसके अंदर हम ये वाली वेबसाइट, इस जीमेल आईडी के अंदर अपना जो अकाउंट है वो मैं ओपन करूँगा ये वाले सेटअप पे, नया सेटअप पे, ठीक है। मैं गूगल एड्स अकाउंट एक नया सेटअप करने जा रहा हूँ। दोस्तों क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा बिजनेस का नाम है, वेबसाइट की लिंक है, वो यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो ये मैं इस जो वेबसाइट की लिंक है दोस्तों ये मैं यहाँ पर डाल दूँगा, जो हमारी वेबसाइट लिंक है यहाँ मैंने डाल दिया। और नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा जो पेज है रिव्यू होगा और उसके बाद में लोड होगा। लोड होने के बाद दोस्तों हमारा जो मेन पर्पज है सेल करने का, अपने प्रोडक्ट को सेल करना, तो इसको मैं स्किप कर दूँगा, ये भी स्किप कर दूँगा और इसको भी स्किप कर देना,
सब स्किप करने में दोस्तों, यहाँ पे लीव कैंपेन क्रिएशन पे जाना और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आप प्रेस कर देना है दोस्तों। यहाँ पे बिलिंग सेटअप करने का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, बिलिंग आप सेटअप कीजिए। तो हम यहाँ पे बिलिंग सेटिंग करेंगे, न्यू क्रिएटिव बिलिंग पे आएंगे और जो आपके कंपनी का नाम है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है ये, हाँ जयपुर रक्स, जयपुर रक्स के नाम हमें कंपनी नाम है, तो ये हम यहाँ पे कंपनी नाम अपना डाल देंगे। ये हमारे कंपनी का नाम हो गया जयपुर रक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे जो एड्रेस है उनका नाम, जैसे मान लीजिए अमित शर्मा उनका नाम हो गया ओनर का, यहाँ पे नाम डाल दिया दोस्तों। यहाँ पे एड्रेस भी आपको डालना, यू ब्लॉक पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। ये मेरा एड्रेस हो गया, टेम्परेरी मैंने एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे सिटी हमारा जयपुर हो जाएगा, ठीक है जी दोस्तों। राजस्थान हमारा स्टेट आ जाएगा और जयपुर का जो भी एड्रेस है मैं एक टेम्परेरी पिन कोड यहाँ पे डाल दूँगा। जयपुर, तो यहाँ पे मैं रिजोर्ट्स में जाऊँगा और कोई भी एक टेम्परेरी पिन कोड है वो यहाँ पे डाल दूँगा। तो पिन कोड ये पिन कोड आ गया 30 20 16, ये मैंने यहाँ पे 30 पिन कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया दोस्तों। ऐसा डेमो के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐड क्रिएट कर दिया। क्रिएट में कैंपेन में जाऊँगा और यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट मेथड आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बैंक ट्रांसफ़र है, नेट बैंकिंग है और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों होते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा बैंक ट्रांसफ़र, अभी मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको नो कर देना और सबमिट कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया पेमेंट प्रोफाइल, हम कैसे क्रिएट करते हैं वो हमारा ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों जो मेन ऑप्शन है हमारा डैशबोर्ड में, हम एंटर हो जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको भी टेस्ट करेंगे और हमारा जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। टेस्ट होने के बाद टेस्ट कनेक्शन, यहाँ पे ये कोड है आई विल डू लेटर कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है गूगल एड्स का वो ओपन हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं दोस्तों, हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कैंपेन क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ई कॉमर्स है तो हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, तो हम जाएंगे न्यू कैंपेन पे। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट, इसको स्किप करेंगे, मेरे जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सेल है, सेल्स पे जाएंगे, ठीक है। सर्च पे जाएंगे, शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे सर्च पे करेंगे बेटर रहेगा। सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे आपको वेबसाइट विजिट पे, तो हमारा जो वेबसाइट दोस्तों ये है jaipurrux.in.com, तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कन्वर्सेशन गोल भी क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कन्वर्सेशन गोल क्या है। कन्वर्जन गोल भी यहाँ पर हम बताएंगे, थोड़ा लोड हो रहा पेज। कन्वर्जन गोल है दोस्तों हम परचेज करेंगे, परचेज को हमें सेट करना है। यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे दोस्तों। एक क्लिक का जो रेट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक क्लिक का रेट है दोस्तों वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक क्लिक का जो रेट है दोस्तों 15 रुपये कर देता हूँ मैक्सिमम जो बीडी है। और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को अनचेक कर देंगे। देखिए ये डिस्प्ले ऐड है और नेटवर्क ऐड है, तो ये जो गूगल के पार्टनर सर्च होते हैं उस पर भी शो करेगा और जो डिस्प्ले है यहाँ पे वो भी इस पर शो करेगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं करना, ओनली हमें गूगल सर्च पे शो करना। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा, हमारा जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो होंगे इंडिया। इंडिया में कहीं भी वो लोग सर्च करेंगे तो हमारा जो है ऐड है वो विजिबल होगा और जो प्रोडक्ट है वो बाई कर सकते हैं। लोकेशन ऑप्शन में दोस्तों आपको जाना, लोकेशन ऑप्शन में यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है जो आपको चूज करना है। लैंग्वेजेस दोस्तों ऑल लैंग्वेजेस आपको सिलेक्ट कर देना, ऑल लैंग्वेजेस आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मोर सेटिंग के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं, ऐड रोटेशन कर सकते हैं। ऐड रोटेशन में जो बेस्ट ऐड परफॉर्म होगा वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना, ऑटोमेटिक होता है। और यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं हमारा जब कब ऐड स्टार्ट हो कब बंद हो। तो हमारा जो ऐड हो मॉर्निंग में 7 o'clock स्टार्ट हो और शाम को 7 o'clock तो बंद हो जाएगा। तो 7 से 7 मैंने कर दिया यहाँ पे अपना ऐड रोटेशन, ऐड अपना टाइमिंग शेड्यूल टाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो कीवर्ड दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कीवर्ड भी यहाँ पे आ चुका है जयपुर रक्स है। यहाँ पे आपने मैनुअली टाइप कर सकते हैं, कारपेट फॉर ऑफिस भी कर सकते हैं, कारपेट फॉर
फॉर लिविंग रूम भी कर सकते हैं, लिविंग लिविंग रूम भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो ऐड है इन कीवर्ड पे ट्रिगर होगा, ऐड शो करेगा। मैंने यहाँ पे जैसे सर्च किया, ये ऐड है जो इस तरीके से ट्रिगर होगा, शो करेगा। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड दोस्तों, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। और हमारे जो ऐड का डिज़ाइन दोस्तों, जिसे हमारे यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे थोड़ा अच्छे डिज़ाइन के लिए कारपेट, कारपेट बाय नाउ। इस तरीके से हमारा जो ऐड है इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। आप थोड़ा देखते हैं सब दोस्तों, हमारा जो हेडलाइन है, हेडलाइन में यहाँ पे हम ऐड करेंगे। हेडलाइन में जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे जो हेडलाइन है, लग्जीरियस होम कारपेट्स, ये ओपटी में हटा के लग्जीरियस होम कारपेट भी कर दूंगा। और अप टू 40% ऑफ, ठीक है, अप टू 40% ऑफ भी यहाँ पर हम कर देंगे। अप टू 40% ऑफ भी कर देंगे, प्रीमियम ऑन प्रीमियम। थोड़ा और नीचे जाएंगे दोस्तों, हमें कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी हेडलाइन में, हाई एंड कारपेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज ना हो कि हम हेडलाइन क्या ऐड करना, तो यहाँ से आप ले सकते हैं हाई एंड कारपेट, द टॉप ग्रेड प्योर सिल्क कारपेट, ये भी बहुत अच्छा हेडलाइन है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने हेडलाइन को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ आइडिया यहाँ से भी ले सकते हैं और कुछ अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और नीचे आ गई डिस्क्रिप्शन के बाकी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ए लेगेसी ऑफ क्राफ्टमैनशिप सिंस 1888-81, ठीक है। ये भी चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं थोड़ा लेगेसी बढ़ाने के लिए, थोड़ा अपने ट्रस्टबिलिटी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप कर सकते हैं ऐड। और भी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं आप, इसको मैं सर्च किया हूँ, तो यहाँ पे आप सकते हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे और हमें जो है कंटेंट मिल जाएगा, इसको डिस्कवर आवर कारपेट रक्स वायरस कलर एंड साइज एंड पैटर्न, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऐड है वो डिजाइन हो जाएगा। आप यहाँ पे इसका साइट लिंक भी ऐड कर सकते हैं और कॉल आउट एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका जो है ऐड है और भी अच्छा लगे, बढ़िया लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे शॉप हैंडमेड कारपेट्स, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, और इसका जो लिंक है दोस्तों, साइड लिंक, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा है सेकंड साइड लिंक, यहाँ पे भी सेकंड साइड लिंक हमें ऐड कर देंगे, वाई रक्स एंड कारपेट, यहाँ पे ये कर देंगे, हाँ यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसका जो वेबसाइट लिंक है यहाँ पर मैं यहाँ ऐड कर दूँगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों आप कॉल आउट एक्सटेंशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हमारा ऐड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ये कॉल आउट एक्सटेंशन हो गया। इससे भी हमारा जो है जो क्वालिटी परचेज होते हैं दोस्तों, वो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग है वो अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऐड को, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कर देंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, बाय कारपेट ऑनलाइन, ये भी हम कर देंगे कॉल आउट एक्सटेंशन में। और थोड़ा और अच्छा मुझे कॉल आउट एक्सटेंशन के लिए हेडलाइन चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं चीप कारपेट बाई, चीप कारपेट, ठीक है, चीप कारपेट भी कर सकते हैं, शॉप नाउ, ये भी हम कर सकते हैं। और देख सकते हैं कुछ हम अलग तरीके से हैंडमेड कारपेट स्टोर, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन में। दोस्तों जो भी हमने ऐड किया यहाँ पर, हमारा जो ऐड है यहाँ इसको सेव कर लेंगे, हमारा ऐड है कुछ यहाँ इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है। थोड़ा मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन हो गया है। अब हमें इसको नेक्स्ट करने की ज़रूरत है, हम नेक्स्ट करेंगे। और हमारा जो बजट है दोस्तों, तो यहाँ पे बजट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका बजट क्या होगा डेली का। यहाँ पर कस्टम बजट भी आप डाल सकते हैं, आप यहाँ पे रिकमेंडेशन बजट भी डाल सकते हैं। तो मैं कस्टम बजट डालूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं डालूँगा डेली का 1000 जो कस्टम बजट हमारा होगा। और यहाँ पर मैं करूँगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पर करूँगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और एरर चेक कर रहा है ये दोस्तों। जैसे हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, हम इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश कैंपेन में क्लिक करेंगे। हमारा जो ऐड क्रिएशन का प्रोसेस है दोस्तों ई कॉमर्स का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी जो हमारा ऐड दोस्तों वो रिव्यू में गया हुआ, गूगल इसको चेक करेगा, उसके बाद में जो हमारा ऐड है वो एलिजिबल हो जाएगा ऐड रन होने के लिए। और हमें इसको क्या करना है, जब हमारा ऐड अप्रूव हो जाएगा तो हमें इसको करना पेमेंट, इसके अंदर पेमेंट करना पड़ेगा।
उसके बाद में हमारा जो ऐड है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम आप देख सकते हैं हमारा जो ऐड है अभी अंडर रिव्यू में है, ये देख सकते हैं आप हमारा ऐड अंडर रिव्यू में है, और हमारा ऐड जब तक नहीं चलेगा जब तक हमारा ऐड एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबल होने के बाद दोस्तों आपको बिलिंग में जाना है, सबमिनी में जाना है, यहाँ पे आपको पेमेंट ऐड करनी पड़ेगी ऐड फंड में जाके, उसके बाद जो आपका ऐड है कुछ इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आपके पास जो काम है, आपकी जो सेलिंग है वो बढ़ जाएगी और आपका जो ऐड है वो प्रॉपर एलिजिबल हो गया, और आपका जो बिजनेस है अच्छा खासा जनरेट करेगा, चलेगा और एक्सपेंड भी होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों कमेंट में अपनी राय दीजिए, कुछ भी आपको इश्यूज आ रही गूगल एड्स अकाउंट से रिलेटेड, या अगर आपको गूगल एड्स भी क्रिएट कराना है अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दोनों है, वहाँ से मुझे फ़ोन और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। मैं आपका ज़रूर कोशिश करूँगा आपके ऐड अकाउंट को सेटअप करने की हेल्प करने में, ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अपडेट के दोस्तों। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा इस यूट्यूब चैनल को वीडियो देखना मत।